I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to Hi guys, praise the Lord. Welcome back to Angelina Blog. आज की जो ब्लॉग है वो अगस्त 15 की थी, लेकिन हमने देर से डाल रहे इसको क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और हम स्टेफी और मैं जा रहे थे ऑफिस अगस्त 15 में। और स्टेफी जो है इतनी सज धजी थी, पूरी देसी गर्ल बन गई थी। उसके साथ साथ बहन और भाई को बात कर रही थी, हम हर अगस्त 15 में इस रोड में जाते, इसलिए हमारी ये मेमोरी है। जाने के बाद बच्चे हमें जो इंतज़ार कर रहे थे, और उसके बाद हम सारे ख़त्म करके चले गए वेगस मॉल। मेरे पास कुछ खाना थे तो मैंने बाहर बच्चों को बांट दिए थे। उसके बाद हम मम्मी पापा की इंतज़ार करने के बाद हम अंदर चले गए थे, और स्टेपी जो है मेरी मम्मी और पापा को ढूंढ रही थी। उसके बाद हमने वो आने के बाद हम अंदर चले गए तो देखा एक छोटे छोटे स्टॉल भी थे और बहुत भीड़ थी, लेकिन इस अगस्त 15 में उस रेप डॉक्टर की रेप के वजह से कोई कपड़े अगस्त 15 मना नहीं रही थी। तो हमें तो बहुत सारा मारा था क्योंकि हमने ही पहन रखे थे, मैं नहीं जानती थी, तो इसीलिए हमने इतनी जैसे मनाते पिछले सालों से वैसे ही मैं एक हम अगस्त 15 के कपड़े पहन के गए थे, लेकिन शर्म आ रहा था। लेकिन बहुत भीड़ थी क्योंकि वहाँ पे कैरल के टाइप कॉयर था जो गाना गाने के लिए आए थे, तो बहुत भीड़ चढ़ी थी वहाँ पर। और मुझे अंदर जाने मन नहीं थी, फिर भी अंदर गए क्योंकि वो कॉयर देखने के लिए। तो आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ है लोगों का ये मॉल के अंदर। और ये मॉल तो सब जानते हैं, ये तो वेगस मॉल है, सब लोग आते दूर दूर से। और उस दिन कुछ स्पेशल डेकोरेशन भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, वैसे सिंपल रखा था उन्होंने। बस ये कॉयर थी जो कॉयर फिल्म की धुन भी कर रहे थे और अलग सी अगस्त 15। लेकिन मैंने ज़्यादा समय वहाँ टिका नहीं, मैं बाहर निकल गई थी और शॉपिंग के लिए बाहर गए थे क्योंकि मुझे शॉपिंग की शौक थी, इसलिए बाहर मैं चली गई। और जाने के बाद हम लोग गए थे, देख लो ये कैसी भीड़ है पूरी। उसके साथ साथ हमने बाहर शॉपिंग निकल कर थोड़ी मैंने कुछ क्लॉचेस वगैरह और हेयर बैंड्स वगैरह और जूते भी देख लिए थे, जूट वाली और इस तरह। और मेरे मम्मी के लिए और कुछ लिया मैंने और ज्वेलरी वगैरह देख लिया। मैं कभी कान का देखती हूँ तो टिक नहीं। उसके बीच हमें हमारी चर्च के बच्चे मिल गए थे, लेकिन हमें जाना था पालम खाने के लिए, तो हम इंतज़ार में थे गाड़ी में। दीदी जीजू चले गए थे और हम चले गए थे, और ऐसे ऑटो मिल नहीं रही थी क्योंकि भीड़ की वजह से। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm cold. और आके हमने पहुंच गए थे केरला, टेस्ट ऑफ केरला में। जब आपको पालम आते हो तो रामपाल चौक के पास ये टेस्ट ऑफ केरला है, यहाँ पे सारे नॉन वेज अच्छे मिलते हैं और सस्ते में भी। जब आपको ग्रुप खानी हो जैसे कि फैमिली डिनर करनी हो कुछ भी, आपको अच्छी मिल जाते हैं। हम अंदर जाके देख, आपको इवन गर्म पानी भी दे देते हैं, और जैसे कि आपको मसाला स्पाइसी कुछ कम रखनी है तो भी वो लोग उस तरह बना देते हैं। और देख लो ये आगे आए थे दीदी जो स्टेफी, तो ये बैठ के सूप पी रहे थे, लेकिन सूप इतनी ज़्यादा तीखा थी मैंने तो पिया ही नहीं, और मुझे अच्छा नहीं लगा चिकन सूप। ऐसे हमने बैठ के हमारे मम्मी पापा सब सूप पी लिए थोड़े। उसके साथ साथ हमने खाना ऑर्डर कर रखा था कि वैसे देख सकते आप। उसके साथ हमने अपने प्लेट को धोए टिश्यू से,
देख रखते हो हमारी दीदी कैसी धो रही है प्लेट को, साफ सुथरा करिए। और आप जब भी आओगे डे स्पेशल वो मेन्यू उधर पे नोटिस बोर्ड में लगा होगा। मैं यहाँ पे मेरे जीजू को चिढ़ा रही हूँ क्योंकि वो साउथ इंडियन है, हर वक्त इसी होटल पे लाते जब हमारे वीडियो तो सस्ते में निपटा लेते बोल के, तो वो हंस रहा है सारा मार रही थी उनको क्योंकि मैं बहुत छेड़ती हूँ। आप देख सको खाना आ गया, ये साउथ इंडिया का कुछ ऐसे ऐसी वाली क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता उसको। उसके बाद हमने परोठा मंगाया था, केरल परोठा और चिकन फ्राइड राइस इस तरह बहुत सारी चीज़ें मंगाए थे, खाए हमने अच्छे से। और मेरी मम्मी पापा जो है वो चिकन नहीं खाते इसलिए कुर्मा मंगाए थे, और बाकी जो हमने तो दबा दबा के चिकन खाए नॉन वेज का। और स्टेपी जो थी ना वो इतनी एंजॉय कर रही थी सारे खाने को, भाई साहब इसकी स्वाधीनता मिल गई थी उसको उस दिन के खाने पीने की स्वाधीनता। देख सकते सारे इतने अच्छे से खा रहे। उसके बाद हमने निकल पड़े घर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गॉड ब्लेस यू।